बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि फोटोशॉप में आप लेसो टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेसो टूल के मेथड क्या है, किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन वीडियो से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला, आप एक तस्वीर ओपन करें फोटोशॉप में। फर्ज करें मैं एक तस्वीर ओपन करता हूँ। ठीक है, ये तस्वीर मैंने ओपन किया। ठीक है, ये तस्वीर है। ठीक है, ये टूल, ये लेसो टूल की अकसाम है। लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो, मैग्नेटिक लेसो, ये लेसो टूल्स की थ्री अकसाम है। ये भी काम करता है, लेकिन ये लिप बटन प्रेस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। लेसो टूल इस तरीके से काम करता है, लिप बटन छोड़ना नहीं। अगर तुमने लिप बटन छोड़ा तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है या कि या बैकग्राउंड चेंज करते हैं या कोई और ऐसी चीज़ है आप उसे हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप लेसो से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा वापस चलते हैं। ठीक है, लेसो टूल की इस तरीके से अगर तुमने राइट बटन छोड़ ली, लेफ्ट बटन छोड़ ली, माउस वाली जो लेफ्ट बटन है वो तुमने छोड़ दिया, तो फिर एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका है लेसो टूल का। ठीक है, डिलीट का ठीक है, लेसो टूल का तरीका है। पॉलीगोनल टूल ऐसा काम करता है। यह है पॉलीगोनल टूल, ये किस तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से काम करता है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप उसे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से पॉलीगोनल टूल ये इस तरह कैसे इस तरीके से काम करता है। ठीक है, इस तरीके से बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं, तीसरा तरीका किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक टूल, मैग्नेटिक टूल से आप किस तरह काम करते हैं हम आपको समझाते हैं। मैग्नेटिक टूल ऐसा टूल है कि इसे प्रेस करें, हमें इस जगह पर सिलेक्ट किया तो आप माउस को बहुत तरीके के साथ इस बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड आप डिलीट करते हैं तो उसके उस पर सिलेक्शन ले लें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो मैग्नेटिक टूल का काम इस तरीके से सिर्फ माउस को बैकग्राउंड पर से फिर यहाँ पर क्लिक करें तो सिलेक्शन हो गया।
ठीक है, ये लेसो टूल है, ये पॉलीगोनल टूल और मैग्नेटिक टूल से इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। ये लेसो टूल की त्रि अक्साम है, इस त्रि अक्साम की मदद से आप किसी भी तस्वीर से बैकग्राउंड हटाते हैं, या किसी जगह आपको पसंद नहीं है या कोई गलती है, आप इससे हटा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये तीन तरीके हैं लेसो टूल का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।